गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एसिड फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। हम एसिड और कीटोन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है लैब बेसिस पे, वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एसिड, कोई भी कंपाउंड एसिडिक है कि बेसिक है, ये कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में पर्टिकुलर कंपाउंड लेते हैं। यहाँ पे मैंने तीन एसिड के सैंपल लिए है, सिनामिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। सिंपल कंपाउंड लेते हैं और उसको थोड़े से क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं, बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में। ओके, ये मेरा सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, जिसको ओएस भी बोला जाता है, ठीक है। और मैं क्या करूंगी, मेरे पास लिटमस पेपर है, तो रेड लिटमस पेपर पे मैं वन ड्रॉप डाल के देखूंगी। पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने रेड लिटमस पेपर लिया और ग्लास रॉड की हेल्प से पर्टिकुलर मैं क्या करूंगी कि वन ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ये लिटमस पेपर पे चेक करूंगी, ठीक है। रेड लिटमस पेपर कोई इसमें चेंज हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रेड लिटमस पेपर ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। हमको लेना पड़ेगा ब्लू लिटमस पेपर, तो यहाँ पे मैंने ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसका वन ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन जो मेरा एसिड सैंपल है इसके ऊपर मैं चेक करूंगी। देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू द रेड, दैट इज हमारा कंपाउंड एसिडिक। दूसरी कौन सी टेस्ट कर सकते हैं, दूसरी टेस्ट हम कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर ये मेरे पास ओएस है ऑलरेडी, इसमें मैं क्या करूंगी सोडियम बाइकार्बोनेट डालूंगी। ओएस मतलब क्या है, कंपाउंड प्लस वाटर डाला है, और इसमें मैं अगर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डालती हूँ तो देखिए विगरस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस, इफरवेसेंस इज टेक्स प्लेस। ओके, तो इसको बोला जाता है प्रेजेंस ऑफ एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। अगर ये दो टेस्ट में अगर कंपाउंड हमारा एसिडिक है तो एसिड में कौन सा सब्सटेंस है वो हमको चेक करना है, क्योंकि देर आर द सो मेनी एसिड्स। और अगर हमको डिप्लोमा इन फार्मेसी में देखना है तो देर आर नियर अबाउट 6 to 7 एसिडिक कंपाउंड जो हम लैब बेसिस में चेक करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड फेरिक क्लोराइड, हम 4 एसिड को चेक कर सकते हैं, 4 एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिनामिक एसिड और टार्टरिक एसिड। देन अगेन न्यूट्रल सॉल्यूशन प्लस कैल्शियम क्लोराइड, इससे हम ऑक्जेलिक एसिड, सिनामिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ये भी चेक कर सकते हैं। तो उसी लिए हम पहले बनाएंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले मैं थोड़ा सा सैंपल लूंगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है क्योंकि बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा सॉल्यूशन बनाऊंगी, ठीक है। इसमें मुझे वाटर डालना है, ओके, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर मैं यूज करूंगी और कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करूंगी। डिजोल्व करने के बाद ये कंपाउंड को मुझे क्या करना है, न्यूट्रल बनाना है, तो इट बिकम एसिड। तो एसिड को न्यूट्रल की तरफ लेके जाने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, इसमें बेस डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 10% NaOH या डायल्यूट NaOH भी आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप ऑफ NaOH डालूंगी, जिससे क्या होगा, मेरा सॉल्यूशन न्यूट्रल बनने के लिए तैयार होगा। ये सॉल्यूशन न्यूट्रल बना है कि नहीं बना है इसको चेक करने के लिए हम इसमें फिनोप्थेलिन ड्रॉप डाल सकते हैं, क्योंकि फिनोप्थेलिन गिव्स अ पिंक कलर इन अल्कलाइन नेचर। लेकिन हमको स्ट्रांगली अल्कलाइन ही नहीं करना है, हमको क्या करना है, न्यूट्रल करना है। इसलिए वन ड्रॉप ऑफ, देखो ये मैंने ग्लास रॉड फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन में डिप किया और वही यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में डिप करूंगी, ठीक है। कोई भी पिंक कलर नहीं आया है, मतलब हमारा सॉल्यूशन अभी भी एसिडिक इन नेचर है। तो अगेन मुझे 2 ड्रॉप NaOH डालना पड़ेगा इसमें। मैं यहाँ पे डालूंगी 1 और 2 ड्रॉप ऑफ NaOH। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखिए सॉल्यूशन में थोड़ा पिंक कलर आ रहा है। ये पिंक कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन स्ट्रांगली अल्कलाइन थ्रू जा रहा है, इसीलिए वो पिंक कलर शो कर रहा है। अभी मैं अगर इसमें और 1 ड्रॉप ऑफ अगर NaOH डालती हूँ तो इट बिकम अ स्ट्रांगली अल्कलाइन, ओके, फिनोप्थेलिन अगर मैं डालती हूँ, यस, अभी भी वो अल्कलाइन नहीं बना है, तो अगेन मुझे 2 ड्रॉप NaOH डालना पड़ रहा है। देखिए देखिए अभी पिंक कलर आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब इसका मतलब है कि अभी हमारा सॉल्यूशन स्ट्रांगली अल्कलाइन हो चुका है, होने वाला है। जैसे मैं उसमें NaOH डालती हूँ इट बिकम अ पिंक कलर। तो हमको पिंक तो करना ही नहीं है, स्ट्रांगली अल्कलाइन नहीं करना है। अगर ये अल्कलाइन चेक करना है तो आप लिटमस पेपर से चेक कर सकते हो। क्या करोगे, रेड लिटमस पेपर लोगे, ओके, रेड लिटमस पे अगर मैं 1 ड्रॉप डालती हूँ तो इट बिकम अ ब्लू, ब्लू हो रहा है क्या वो मुझे चेक करना है। ये ब्लू नहीं हो रहा है, मतलब ये अभी भी एसिडिक ही है।
लेकिन हमको इसको न्यूट्रल बनाना है। न्यूट्रल बनाने के लिए हमको इसमें NaOH डालना जरूरी है। यस, अभी ये बेसिक बनना स्टार्ट हो गया है, ये बेसिक बन गया है और बेसिक और न्यूट्रल के बीच में आया है, देखिए। ठीक है, अभी ये पूरा बेसिक बन गया क्योंकि ये बिकम डार्क ग्रीन कलर। अभी हमको इसको न्यूट्रल की तरफ लाना है, तो न्यूट्रल की तरफ लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एसिड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाइल्यूट HCl डालूंगी जिससे ये एसिडिक या न्यूट्रल की तरफ आएगा। देखिए जैसे इसमें मैंने एसिड डाला, इट बिकम अ एसिडिक टू न्यूट्रल, तो ये बेसिक टू एसिड की तरफ आते होते न्यूट्रल बन गया। तो ये सॉल्यूशन में हम एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल सकते हैं। ये हो सकता है कि जब मैं एसिड डाल रही हूं तो ये अगेन ज्यादा बेस एसिडिक ना हो सके, इसलिए मैंने इसमें अमोनिया डाला। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा अमोनिया और डालती हूँ तो ये अगेन बेसिक की तरफ जा सकता है। देखिए जैसे अमोनिया डाल रही हूँ तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो रहा है, आपको यहां से ऑब्जर्व कराती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी अगेन पिंक कलर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांगली अल्कलाइन या बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा है। अमोनिया डालने की वजह से इसमें पिंक कलर और आएगा क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा है। अगर एक्सेस पिंक कलर अगर इसमें आता है तो आप उसको हीट कीजिए। हीटिंग से क्या होगा, अमोनिया सॉल्यूशन इवॉल्व हो जाएगा, मतलब उसकी बेसिक प्रॉपर्टी निकल जाएगी और इट बिकम अ न्यूट्रल। और आप ये सॉल्यूशन में चेंजेस भी देखोगे कि जैसे ही अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है, सॉल्यूशन का जो व्हाइटिश कलर था, इट बिकम अ ट्रांसपेरेंट मास और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं। हमने ये ऑक्सैलिक एसिड का न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाया है। अभी हमको इसको इसकी हेल्प से आगे के एसिड चेक करना है। पहले मैं टेस्ट करूंगी ऑक्सैलिक एसिड के लिए, क्या करूंगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन का थोड़ा सा सैंपल मैं यहाँ पे लूंगी। यस, और इसमें मैं फेरिक क्लोराइड का एक ड्रॉप डालूंगी। जैसे ही मैं फेरिक क्लोराइड यहाँ पे डाल रही हूँ, यहाँ पे कोई भी कलर नहीं आ रहा, येलोइश कलर आ रहा है जो ऑलरेडी फेरिक क्लोराइड का है, मतलब यहाँ पे हमारी ऑक्सैलिक एसिड के लिए कोई भी टेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए कोई भी कलरेशन नहीं है, सिंपल येलो कलर आया है और वो भी फेरिक क्लोराइड की वजह से आया है। ये टेस्ट हमारी फेल है। दूसरी हमको टेस्ट करना है, दूसरी हम टेस्ट करेंगे, अगेन मैं ऑक्सैलिक एसिड का सैंपल लूंगी जो मैंने बनाया है। और मैं इसमें अभी कैल्शियम क्लोराइड डालने वाली हूँ। क्या डालने वाली हूँ? कैल्शियम क्लोराइड। यस, देखिए जैसे ही मैंने कैल्शियम क्लोराइड डाला, यहाँ पे बफ पीपीटी क्रिएट हो गई है, देखिए। और दैट इज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ओके, दूसरा हम टेस्ट करेंगे जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सिनामिक एसिड का न्यूट्रल सॉल्यूशन बना के रखा है। ये जो सिनामिक एसिड है वो फेरिक क्लोराइड के साथ बफ पीपीटी देता है। बफ पीपीटी मतलब, देखिए यहाँ पे अभी मेरा ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, मैं फेरिक क्लोराइड डाल रही हूँ, ये मेरे पास फेरिक क्लोराइड है, ये डाल रही हूँ। देखिए ऑब्जर्व कीजिए, आ रहा है बफ पीपीटी। बफ मतलब एकदम से ही डेंस, पूरा वॉल्यूम कवर हो गया है और उसका कलर भी चेंज हुआ है, ऐसे बफ पीपीटी क्रिएट हो रही है। दैट इज द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द सिनामिक एसिड। नेक्स्ट मेरे पास और एक सैंपल है, सैंपल ऑफ सैलिसिलिक एसिड, जिसका मैंने न्यूट्रल सॉल्यूशन अभी तो नहीं बनाया है, लेकिन इस तरीके से भी आती है एक टेस्ट। आप न्यूट्रल सॉल्यूशन बना के भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी। मैंने कंपाउंड लिया और इसमें वाटर डाला, ठीक है, कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व नहीं है तो आप उसको हीट कर सकते हो। कंपाउंड डिजॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा डिजॉल्व हम कर सकते हैं।
देन इसमें मैं फेरिक क्लोराइड डाल रही हूं। जैसे ही आप फेरिक क्लोराइड डालोगे इट गिव अ वॉयलेट कलर। देखिए डार्क ब्लूइश में दिख रहा है लेकिन ऊपर ऊपर में आपको वॉयलेट कलर दिख रहा होगा। दैट इज द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द सैल्सिलिक एसिड। नेक्स्ट और एक एसिड मेरे पास है, द एसिड इज द एसिडिक एसिड जो लिक्विड सैंपल में अवेलेबल है। एसिडिक एसिड में मैं अगर फेरिक क्लोराइड अगर डालती हूं इट बिकम अ सम ऑफ द रेडिश कलर। देखिए कलर चेंज हुआ है, सॉल्यूशन का जो ट्रांसपेरेंट मास था येलो भी नहीं है, इट बिकम अ सम ऑफ द रेडिश कलर। तो दैट इज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड। तो आज हमने चार एसिड देखे जिसमें वेरियस टेस्ट है, मैं डबल से आपको चारों दिखा सकती हूँ। देखिए फर्स्ट मेरा ऑक्सैलिक एसिड है, सेकंड सिनामिक एसिड, थर्ड इज द सैल्सिलिक एसिड एंड फोर्थ इज द एसिडिक एसिड। सेम जैसे ऑक्सैलिक एसिड का आता है वैसे ही आप टार्टरिक एसिड का भी कर सकते हो। न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाना है और जिसमें आपको कैल्शियम क्लोराइड डालना है तो आप टार्टरिक एसिड के लिए भी सेम टेस्ट कर सकते हो। तो ये पांच एसिड मैक्सिमम तौर पे हम डिप्लोमा इन फार्मेसी में सैंपलिंग करके यूज करते हैं। नेक्स्ट और एक मैं आपको फंक्शनल ग्रुप टेस्ट बताने वाली हूँ कीटोन की। अगर हमने वेरियस इसके लिए चेक किया और सम ऑफ द कंपाउंड आपका एसिडिक है लेकिन इट विल नॉट शोज द इफर्वेसेंस फॉर द सोडियम बाइकार्बोनेट तो आप कंपाउंड को कीटोन के लिए भी टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एसिटोफिनोन का सैंपल लिया है, टेस्ट भी बिल्कुल भी सिंपल है। एसिटोफिनोन या एनी कीटोन कंटेनिंग ग्रुप लाइक एसिटोन है या वेरियस जो लैब में अवेलेबल है जिसको आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ टेस्ट कर सकते हो। ओके सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ आप टेस्ट करो। देखिए मेरा एसिटोफिनोन ट्रांसपेरेंट इन कलर है जिसमें मैं क्या डाल रही हूँ, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल रही हूँ फ्रेशली प्रिपेयर्ड। वेट शायद से सैंपल में भी चेंज। आई थिंक सैंपल आपका चेंज हुआ है, नहीं तो ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ रेड कलर देता है। तो हमको फ्रेशली प्रिपेयर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन लेना पड़ता है और जिसके इसमें ये रेड कलर हमको शो करता है। तो ओके तो आज के हमने प्रैक्टिकल में क्या देखा, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट फॉर द एसिड्स। ओके थैंक यू।